दूरदर्शन न्यूज। नहीं हटा ताजपुर पुल से अतिक्रमण, प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम। सारण जिले के माजी प्रखंड के ताजपुर सिसवन मुख्य मार्ग पर ताजपुर दहान नदी पर बने पुल पर लगे जाम और अवैध दुकानों से किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। वहीं पुल के जर्जर अवस्था को देखते हुए बिहार पुल निगम द्वारा भारी वाहनों पर रोक भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी उसी पुल पर अवैध रूप से मछली व मीट की दुकानें सज जाती है, जिससे खरीदारों की भारी जाम लग जाती है। वहीं मुख्य मार्ग होने के कारण अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस संबंध में उक्त पुल को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हमेशा मांग भी होती रही है। इसी क्रम में सारण के एसडीओ के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए जेई सुनील कुमार सुमन व कार्यपालक अभियंता माजी के अंचलाधिकारी व माजी थानाध्यक्ष पहुंचे, परंतु आज भी हटाया नहीं जा सका। हालांकि जेई व कार्यपालक अभियंता ने पत्रकारों से इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया है। वहीं अंचलाधिकारी धनंजय कुमार व थाना प्रभारी अशोक कुमार दास ने करा रुख अपनाते हुए पुल से दुकानदारों को जल्द हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा की स्थिति में उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन विगत 29 नवंबर को भी चेतावनी दिया था। वहीं कथित ठेकेदार ने दुकानदारों को हटाने के लिए एक सप्ताह का भी समय मांगा है। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि उनका रोजी रोटी इसी दुकानदारी से चलता है, हम लोग यहां से हटकर कहां जाएंगे। वहीं प्रशासन यदि उनके दुकानों को चलाने के लिए दूसरे जगह स्थान उपलब्ध कराती है तो हम लोग भी हट सकते हैं, लेकिन जब तक अभी इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक यहां से हम लोग हट नहीं सकते हैं। बता दें कि जदयू नेता निरंजन सिंह ने किया था पथ निर्माण विभाग से शिकायत। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रंजीत साहब। मछली वगैरह जो बेच रहे हैं आप लोग, कितना देर बेचते हैं? हम लोग 2 घंटा बेचते हैं, 3 घंटा बेचते हैं। और क्या, हम लोग मजदूर गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, या बेचते हैं 2-3 घंटा और घर जाते हैं। इससे परिवार का भरण पोषण हो जाता है, करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत साहब। कहाँ, कौन पंचायत? कौन पंचायत? ताजपुर पंचायत। क्या नाम है आपका? असलम परवेज। कितना दिनों से मीट बेचते हैं? सर हम तो कंटिन्यू 20 साल से बेचते रहे सर। इसी जगह बेचते हैं जी, यहाँ पर तो जब से पुल बना तब से बेच रहे हैं। अच्छा, इससे पहले सर उस तरफ बेच रहे थे। क्या नाम, कहाँ करूँ आपका? जियासपुर। कौन थाना पड़ गया? सिसवन थाना। सिसवन थाना से यहाँ आते हैं बेचने का, इससे परिवार का भरण पोषण हो जाता है सर। इसी से अपना बाल बच्चों को पेट भरते हैं। हम गरीब आदमी और जाए सर बुढ़ापा में कहाँ। जी उससे हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन खाली करवाना पड़ेगा आपको, खाली करवाइए इसको, हटाइए इसको। पर सर वो भी तो बेकार की व्यवस्था आप लगाइए, आपको इससे मतलब नहीं है। तो सर हम फिर ये बात अब इशारा लेकर जाएंगे एस डी ओ सर। क्या कर रहे हैं? गए थे नहीं सर, क्या हुआ? बोले तो 10 दिन का। तो सर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ गए? एक हफ्ता हमको समय दीजिए सर, देखिए तो वही एक हफ्ता में सारा रिपोर्ट लेके एस डी ओ सर से लाएंगे। सर नंबर दे दिए, हम भेज देंगे आपके पास भी। बार बार नहीं होगा, इससे पहले भी दिया गया था सर, मिले थे आपको भी बताइए। तो सर एक हफ्ता हमको समय दीजिए सर, कैसे होगा, बार बार की दिक्कत हो जाएगा। तो दिन जाके कहेंगे तो सर से ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमको। आदेश से आदेश काबिला की जगह कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, तो हमको समय